डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.1 में जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसमें आप देखें तो इसमें जैसे हमने पहले 10 क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार से है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, एक तो टेन इनवर्स 1 का, एक हमारे पास कोस इनवर्स माइनस 1/2 का और एक साइन इनवर्स माइनस 1/2 का। अब इनको अलग अलग हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने ये निकाला हुआ है टेन इनवर्स 1 है, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो हमारे पास आई है, जैसे आप निकाल भी सकते हैं पीछे आपने अच्छी तरह से किए हैं, तो टेन इनवर्स वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास इसमें आई थी। दिस इम्प्लाइज करके हम करेंगे तो y इक्वल्स में पाई बाई 4। और कोस इनवर्स की हमारे पास इसमें क्या आएगी, कोस इनवर्स माइनस 1/2, इसको अगर हम करते हैं तो ये आएगी y इक्वल्स में पाई माइनस पाई बाई 3 और ये हो जाएगी 2π/3, ये हो जाएगी। और उसी वे से जो साइन इनवर्स की वैल्यू हमारे पास माइनस 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इम्प्लाइज अगर हम करेंगे तो आएगी वाई इक्वल्स में माइनस पाई बाई 6। एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और ये, क्योंकि 3 क्वेश्चंस होगा इसमें 1, 2, 3 और 3 वैल्यू हमने निकाल भी हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं, पीछे आपने किया उसी मेथड से करना है, ये वैल्यू आपके पास निकल जाएंगे सिंपल तरीके से। अब इनको सॉल्व करना है, ये हमारे पास कितना था पाई बाई 4, तो इसको सोल्व करेंगे अपन पाई बाई 4 प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 2π/3 माइनस थर्ड वैल्यू हमारे पास आई है पाई बाई 6। तो इसको हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो एलसीएम हमारे पास इसमें क्या आएगा, एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, तो 12 आएगा तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3π और प्लस में ये हमारे पास 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 2 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8π माइनस ये आ जाएगा 2π। तो कितना हो गया हमारे पास 8 और 3 11 11 में से दो गए 9, तो 9π/12। इसको हम सिंप्लीफाई करते 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 3π/4 ये इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि पीछे आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको ही अब 2 या 3 क्वेश्चंस मिला के इसने एक क्वेश्चन बना दिया गया है, तो उसी में से आप कर सकते हैं। तो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के वो आप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।